नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाफ की आवाज में। मैं हूं अभिलाषा दुबे और आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। सोनारी में आज पूनम वर्मा एवं योगा मेडिसिन द्वारा दीपावली को लेकर आज रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बता दें कि इस प्रतियोगिता में प्राइस भी दिया गया, जिसमें तरह तरह के पकवान, मिठाई एवं नाच गाने के साथ खूब धूमधाम से दीपावली त्योहार मनाई गई, जहां दीप जलाकर घरेलू महिलाओं द्वारा दीपावली मनाई गई, जहां पर महिलाओं ने पूरे देशवासियों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं दी एवं सभी के घरों की खुशियों की कामना की। यह हमारा योगा मेडिटेशन सेंटर क्लास है। आज हम लोग दीपावली के शुभ अवसर पर, जिसमें कि कहते हैं कि अहिंसा पर हिंसा के सत्य पर असत्य पर सत्य की विजय हुई है, और इस शुभ अवसर पर आज हमारे योगा मेडिटेशन क्लास की महिलाओं ने एक अपने घर से अच्छी अच्छी व्यंजनें बनाकर लाई हैं, कुछ नमकीन और मीठा, जिनकी भी स्वाद हम लोग सब एक दूसरे मिल करके बांटेंगे। रंगोली की प्रतियोगिताओं को भी हमने रखा, जिन्होंने आज दिवाली का दीपक बनाकर उसे रंगों से सजाया है, भरा है। साथ ही साथ आज मैंने दीपावली के शुभ अवसर पर कुछ प्रश्नोत्तरी का भी कार्यक्रम रखा, जिसे इन्होंने सटीक जवाब देकर प्रोत्साहित किया गया। इस क्लास के द्वारा महिलाओं ने नृत्य संगीत के द्वारा भी इस कार्यक्रम को सजाया है। यह हमारा कार्यक्रम क्या उद्देश्य है इसका? इस कार्यक्रम का उद्देश्य बनता है कि अहिंसा पर हिंसा की विजय, असत्य पर सत्य की विजय कैसे हुई है। और जब रामचंद्र जी वनवास से वापस आए थे तो ये पर्व मनाया गया था। ऐसे तो हिंदुओं में ये पर्व मनाया जाता है श्री रामचंद्र जी की वनवास से वापसी पर, वैसे ही ईसाई लोग भी इस पर्व को बहुत धूमधाम से मनाते हैं, और सिख लोग भी इस धर्म को, इस दीपावली को मनाते हैं। मैं पूनम वर्मा। खबरों में फिलहाल इतना ही, कल फिर हम हाजिर होंगे एक नए समाचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।